हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मैं कन्या राशि का निकाल रही हूँ वर्गो, और किस्मत आपकी बदल रही है या नहीं सब राशियों का निकाल रही हूँ मैं। बहुत दिन पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, चलिए देखते हैं आप लोगों के। मैं बहुत वेट कर रहे थे, बहुतों ने मुझे दिया मैम नहीं आ रहा है, क्या क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरे फादर अभी नहीं रहे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी उन सब चीज़ों में भी और दुखी भी थी। चलिए आज से मैंने शुरू किया है, चलिए देखते हैं। और इन फ्यूचर मैं, हो सकता है मैं फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग निकालूंगी अब फिर से। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, आप खुद देख लो। स्टार का कार्ड आया हुआ है ना। कन्या राशि, आपकी लाइफ में अब सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, अभी से पॉजिटिव हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जॉब के लिए कोई बच्चे हैं जो जॉब चाहिए या कुछ फाइनेंस को लेके कुछ चाह रहे थे, या कहीं आपने फॉर्म फिलअप किया था और वहाँ इंटरव्यू दिया है, कुछ ऐसा है तो उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब लास्ट 9 मंथ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे आप लोग, तो किस्मत बदल रही है नो डाउट। और देखो बिल्कुल फायर एनर्जी की तरह आप भी रुके नहीं हो कि हाँ मैं थक गया या ऐसा परेशान हो गया, ऐसा कुछ कहीं कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज भी कर रहे हो अभी, तो किस्मत आपकी पूरी तरीके से बदल रही है। फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है, मनी प्रॉब्लम कुछ हो रहा है किसी किसी को। बट देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही आप हो सकता है आपके लाइफ में एक फाइनेंस का जो भी क्राइसिस चल रहा था वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ वैंड्स का, देखो फायर एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे, और किस्मत जो है अब बदलने वाली है। फर्स्ट कार्ड ही आ गया था स्टार का, नो डाउट। और कहीं अब आप डिसीज़न मेकर बन रहे हो। ठीक है, डिसीज़न आप कहीं कुछ लेने वाले थे, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी की आ रही है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए हैं आप, हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी किसी को है, गर्मी का मौसम है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं किसी किसी के लिए है ऐसा कि हेल्थ इश्यूज़ है, पेट का गर्म होना, सिर में दर्द होना, इस टाइप का सिर भारीपन होना, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। उनके लिए मैं कहूँगी कि पानी का ज़्यादा प्रयोग करें पीने में, है ना। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप ये वीडियो जब देखेंगे और फाइनेंशियली अगर कहीं स्टक थे या परेशान थे तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप खुश भी होंगे और मजबूती से फिर से आप उस काम को करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट नो डाउट देख रहे हो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे की सारी प्रॉब्लम फ्यूचर में ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे, वो मेहनत रंग लाएगी, दिल से बहुत दिल से आप किसी को चाह भी रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, किसी चीज़ को आप चाह रहे हो दिल से वो मिलने वाला है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने तरीके से देखें, किसी के मैरिज का ही हो सकता है, और बहुत ज़्यादा दिल टूटा है ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लाइफ में यानी फैमिली में कुछ इश्यूज हुए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, क्योंकि पेंटिकल्स के देख रहे हो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर फाइनेंशियली कहीं स्टक थे अपने लाइफ में, फाइनेंस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हो सकता है आप कहीं अटके पड़े थे, कहीं कुछ किसी ने पैसा आपका ले लिया था और आप नहीं दे पा रहा था या कुछ ऐसा था, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले वर्गो, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। बहुत परेशान हो रहे हो, टेंशन बहुत लेते हो आप लोग, टेंशन ना लें, किसी तरह का टेंशन ना लें। ठीक है, और मैरिज के लिए अगर परेशान हो रहे थे तो मैरिज के लिए परेशान नहीं हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप लोगों को है फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं फिलहाल, बट टेंशन नहीं लें, फ्यूचर इन फ्यूचर आपके लाइफ में सब ब्राइट होगा। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए मैंने निकाला भी कि क्या किस्मत बदल रही है, तो बिल्कुल बदल रही है, पॉजिटिव हो जाए। देखो मैजिशियन का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव होना है। ठीक है, पॉजिटिव होंगे, वर्क करेंगे, देन वो सारा चीज़ फलित होने वाला है, जो कहते हैं फ्रूटफुल लाइफ। देखो वर्ल्ड, हो सकता है बहुत कोई वर्ल्ड यानी बाहर जाने का सोच रहे हो, वीज़ा नहीं मिल रहा था या एग्ज़ाम्स दे रहे थे बाहर जाने का, आईलेट्स वाला नहीं क्लियर हो रहा था, बट सब होने के चांसेस हैं। ठीक है, और मून का कार्ड, डरते बहुत हो, डर बहुत रहे हो,
हर चीज़ को लेके डरने लगते हो, परेशान हो, रात रात में उठ के बेचैनी सी चाहने लगती है आप लोगों को, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। उन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। देखो लवर्स का कार्ड, लव लाइफ में भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जजमेंट है आपके लिए, इसलिए टेंशन, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कुछ तो है ऐसा जिससे आप लोग टेंशन बहुत लेते हो, तो टेंशन ना लें, ठीक है? टेंशन लेंगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा, फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है किस्मत तो बदल रही है, आप बस सब पॉजिटिव होकर काम करना शुरू कर दें, ठीक है? चलिए अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन आपका है और आप उससे निजात पाना चाह रहे हो। पार्टिसिपेशन, बिल्कुल अभी कहीं भी कुछ है आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? टेंशन लेते हो, डरते हो कि ये करूं कि ना करूं, ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल करेंगे, बेहिचक करें। प्रोजेक्शन, किसी के साथ ऐसा यानी पास्ट में ऐसा हुआ है, किसी रिश्ते को लेके अगर आप लोगों को जैसे शुरुआत में बहुत अच्छा लगा वो रिश्ता, बीच में जाके धीरे धीरे उस इंसान को जानने लगे आप, फिर आपको ये लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ऐसा भी हुआ है किसी के साथ या मोस्टली के साथ हुआ है, ठीक है? और उसके बाद आपको समझ, बहुत अगर मैरिज होने के बाद भी समझ में आता है ना कि ये रिश्ता नहीं सही है, बट उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है? अगर चाहते हैं मैरिज ठीक होना करना तो बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट। और फाइनेंस का बाद देखो, एबेंडेंस का कार्ड आया है, फाइनेंस का कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हो, कुछ आपके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हो, दुखी बहुत हो रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना? और कुछ कोई है ऐसा जो घर में हो सकता है आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको फील होता है कि मेरे लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है ना, और फिर आपको टेंशन शुरू हो जाता है, बिल्कुल फिर आपको लगता है क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, कुछ का टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ आपके हाथ में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, अब आप सब चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, ठीक है? रास्ता खुलेगा, बिल्कुल देखो एडवेंचर का कार्ड आया, बिल्कुल रास्ता खुल रहा है आपके लिए। और ये देखो डेक में भी है राइपनेस, तो फ्रूटफुल लाइफ है आपकी, फ्रूट्स अब जो हैं बिल्कुल राइप हो गए। चलिए और भी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। किस्मत तो बदल रही है आपकी और बदल चुकी है, जब से आप ये वीडियो देखेंगे आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है? देखो ग्रैटिट्यूड का आया है, हो सकता है किसी को आप ग्रैटिट्यूड भी करने वाले हो, और जब तक ये वीडियो आप देखोगे हो सकता है बहुत कुछ चेंज भी हो गया होगा आपका लाइफ। ग्रीफ, किसी चीज़ का आपको दुख है अंदर से, मन में, तो मन में है तो बाहर निकाल दें कहीं, अगर आप यानी कहीं भी अकेले में बैठ के बोल सकते हो किसी की, ज़रूरी नहीं है किसी के सामने ही बोला जाए, लेकिन बोल के ख़त्म कर लेते हैं उस चीज़ को, अगर बोल सकते हो किसी के पास, ठीक है? खुद को विक्टिम महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, सोलमेट आपको मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, कोई सोलमेट है आपका, क्योंकि आप दुख बहुत दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है दुखी हो, कहीं आत्मा से दुखी हो, माइंड से दुखी हो, ऐसा दिख रहा है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है अभी आपको। अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं देन मैं ये कहूँगी आपके माइंड में बहुत कुछ अभी चल रहा है, ठीक है? और ये मैं कहूँगी सोलमेट आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न भी चल रहा है, बट कन्फ्यूज़न को आप क्लियर कर लें, ठीक है? इम्पेशेंस, कभी कभी घबराहट सा होने लगता है आपको, बट देखो वैनिटी, आपके वैनिटी यानी आपकी किस्मत में बहुत कुछ है। देखो विजडम है, सबसे बड़ी बात है विजडम भी है, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है किस्मत पूरी तरीके से अब आपकी बदल रही है, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, आप जिस भी रिलीजन के हैं, अब मैं एक निकाल रही हूँ कार्ड जो आपके गॉड के तरफ से है, जिस भी रिलीजन के हैं आप उनको याद करें और उनके तरफ से जो भी आ रहा है उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है? सक्सेस, अब देख लो आपके गॉड ही आपको कह रहे हैं सक्सेस मिलने वाली है आपके लाइफ में। मैंने कहा ना किस्मत बदल रही है, फर्स्ट कार्ड ही सक्सेस का आया है, तो इसलिए नो डाउट, टेंशन नहीं करें, उठ के खड़े हों जहाँ भी परेशान हो रहे हो, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी आत्मा अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने और आपको वो गाइड कर रहे हैं। आस्क योर एंजल, कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसे अपने गॉड से पूछते हो ना क्या करूँ मन में कैसा, या फिर कोई फैमिली में ही अगर आपका हो सकता हो तो उनसे पूछ लें। और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो आपके गॉड कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे,
कोई भी किस जिस पर्पज़ से आप ये वीडियो देख रहे हो वो चीज़ मिलने वाली है आपको, ठीक है। थोड़ा सा रिकन्सिडर ज़रूर करें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको कोई कुछ किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो लाइफ में रिकवरी है, डोंट वरी। आप ये मैं ये जरूर कहूँगी, टेंशन नहीं लें, रिकवरी आ रही है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा रिकन्सिडर करें। सक्सेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ रही है और आ चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, टेंशन लेंगे परेशानी में पड़ेंगे, फिर टेंशन लेने से कोई काम नहीं बनता है, मुझे भी ये पता है, आपको भी पता है, बट फिर भी आदमी इंसान ले लेता है टेंशन, तो अब नहीं लें। मेरा वीडियो देखने के बाद अब बिल्कुल नहीं लेंगे आप। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ये मुझे पूरी तरीके से कार्ड्स में दिख गया, सारे पेंटाकल्स के कार्ड्स आए हैं। आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फायर एनर्जी बहुत है, मेहनत ही बहुत हो आप, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें, पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो फ्रेंड्स। थैंक यू।